पिछोर पहुंचे गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव। पिछोर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन। पिछोर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन सांसद केपी यादव जी ने किया। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा सांसद जी के संसदीय क्षेत्र में 100 स्मार्ट क्लास बनाई गई है, जिसमें पिछोर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाई गई है। स्मार्ट क्लास का उद्घाटन सांसद डॉक्टर केपी यादव जी ने किया है। सांसद जी उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने सरस्वती माता का पूजन किया। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य गंधर्व सिंह द्वारा सांसद जी का स्वागत किया गया एवं भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी जी का भी स्वागत किया गया। इसी कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने संस्कृति प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह जी ने आए हुए अतिथियों का एवं मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। सांसद जी आज जो है बच्चों को एक स्मार्ट क्लास आपने दी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी लोकसभा के लिए 100 स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास और करीब 11,000 बच्चों के लिए बैग विद टेबल ये भिजवाए थे। तो ये इसका वितरण चल रहा है क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हर विधानसभा में एक एक कार्यक्रम करके इसकी शुरुआत कर दी जाए ताकि ये सुचारू रूप से लोगों तक पहुंच जाए। और इसके पहले भी गेल द्वारा हमें 8 जो है मोबाइल हॉस्पिटल मिले हैं, वो भी गांव-गांव जाकर लोगों का परीक्षण कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी उपलब्धियाँ भी लोगों की ज़िंदगी में बड़ा मायने रखती हैं, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और जहाँ तक बड़ी चीज़ों की बात है तो एक हमें नेशनल हाईवे मिला है जो आपके इधर पिछोर से ही जा रहा है, चंदेरी मुंगावली होते हुए भोपाल तक जाएगा। और साथ में सेंट्रल स्कूल हमारे अशोकनगर ज़िले में तो 3 आ गए हैं और मैंने शिवपुरी के लिए भी 2 और नए सेंट्रल स्कूलों की मांग की है, एक आपके पिछोर में और एक कोलारस में। तो उनके लिए भी ज़मीन चिन्हित की जा रही है। भविष्य में मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पर वो विद्यालय भी आएँ। गुना के लिए हमें मेडिकल कॉलेज भी मिल गया है, एक गुना में लॉजिस्टिक पार्क भी आ गया है। और बीना रिफाइनरी में जो 50,000 करोड़ की माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, तो मेरा प्रयास है कि मलारगढ़ जो हमारा मुंगावली क्षेत्र है उसके उस तरफ, बेतवा के उस तरफ जो है बीना रिफाइनरी है, तो वहाँ करीब करीब 50,000 करोड़ का नए जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें करीब 400 इंडस्ट्रियाँ आने वाली हैं। तो वहाँ पर एक ब्रिज भी सैंक्शन हो गया है मलारगढ़ पे, जो कि बेतवा नदी पे ब्रिज बनेगा। और ब्रिज के इस तरफ हमारे पास काफ़ी सरकारी ज़मीन है, तो मेरा प्रयास है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए और उन 400 इंडस्ट्रीज़ में से कुछ इंडस्ट्रीज़ हमारे लोकसभा में भी खुलें ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध हो। तो हर फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ कि किसानों के खेत खेत तक पानी भी पहुँचे, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, रोडों के माध्यम से हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो प्रयास है और निश्चित ही मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे काम संभव भी हो। थैंक यू सर।